तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे शहर की जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों इस शहर को महाराष्ट्र की टर्मरिक कैपिटल यानी हल्दी नगरी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। दोस्तों पूरे भारत में सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज यानी चीनी की मिलें इसी शहर में पाई जाती हैं। और साथ ही में गाइस महाराष्ट्र का ये शहर कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के एक बहुत ही खूबसूरत शहर सांगली के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सांगली के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जो आप लोग शायद ही जानते होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं सांगली शहर के एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले आपको बता दें महाराष्ट्र राज्य में स्थित ये शहर यहाँ की कैपिटल मुंबई से 380 किलोमीटर और भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली से 1630 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। दोस्तों सांगली शहर मुख्य रूप से अपने सांगली फोर्ट और गणपति मंदिर की वजह से लोकप्रिय है। इस शहर की टोटल पॉपुलेशन लगभग 6,12,000 के आसपास है, जिस वजह से ये शहर महाराष्ट्र का 19वां और भारत का 94वां सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। अगर सेक्स रेशो की बात की जाए तो इस शहर में प्रत्येक 100 लड़कों पर 96 लड़कियां हैं। इस शहर के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 86% लोग हिंदू, 8% लोग इस्लाम, 3% लोग जैनिज्म और 3% लोग अन्य धर्म को फॉलो करते हैं। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो गाइस इसका आंसर है सांगली शहर। जी हाँ दोस्तों महाराष्ट्र के इस शहर में सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज पाई जाती हैं। अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो इस शहर का लिटरेसी रेट 85% है, यानी यहाँ के 85% लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। दोस्तों इस शहर की गाड़ियों पर आपको MH10 नाम की नंबर प्लेट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर MH10 है। दोस्तों जैसा कि आपको वीडियो की शुरुआत में बताया गया था कि इस शहर को टर्मरिक सिटी यानी हल्दी नगरी कहा जाता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शहर में बहुत ही बड़ी मात्रा में कई तरह के मसालों और हल्दी का व्यापार किया जाता है। अगर एरिया की बात की जाए तो ये शहर 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिस वजह से ये शहर महाराष्ट्र का 7वां सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों इस शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है, यानी यहाँ के ज्यादातर सभी लोग आम बोलचाल में मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर सांगली शहर के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए जहाँ पर आप लोग घूमने जा सकते हैं, तो इस लिस्ट में गणपति टेम्पल, सांगली फोर्ट, श्री श्री राधा गोपाल मंदिर, सागरेश्वर डियर सेंचुरी, SFC मॉल, इरविन ब्रिज आदि जगह शामिल हैं। गणपति मंदिर, दोस्तों गणपति मंदिर सांगली का सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र हिंदू मंदिर है, जो कि भगवान गणेश जी को समर्पित है। गाइस ये मंदिर सांगली रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और साथ ही में दोस्तों ये मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8:30 बजे तक ओपन रहता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।